everyone, welcome to Grateful Learner. Welcome to this video. My name is Deepak Kumar. Today's our topic is software application in construction management for important questions. Kuch important questions software application in construction management mein aaj hum dekhne wale hain. To chaliye start karte hain aur samajhte hain ki kaun kaun se important question hai university exam point of view. ओके तो क्वेश्चन आप किस प्रकार हो सकते हैं कि डिस्क्राइब द एलिवेशन कंप्यूटराइजेशन इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंप्यूटराइजेशन का क्या रोल है, कैसे इवैल्यूएट करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उसे एक्सप्लेन करना है कि टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट्स को देयर इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिजाइन प्रोसेस एंड ओवरऑल एफिशिएंसी. बेसिकली कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टूल्स जैसे कि बीम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर इसका यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए, उसको एक्सप्लेन करने. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंप्लीमेंटिंग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल बैरियर्स टू अडॉप्शन स्ट्रेटजीज टू इंश्योर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. बेसिकली चैलेंज एसोसिएटेड विद इंप्लीमेंटिंग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल बैरियर्स. बेसिकली इसके पोटेंशियल बैरियर्स क्या क्या है उसको एक्सप्लेन करना हो सकता है. एंड स्ट्रेटजीज टू इंश्योर सक्सेसफुली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कैसे सक्सेसफुली टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर रहा है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट फैक्टर्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ कंप्यूटर एडेड कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोग्राम. बेसिकली कौन कौन से फैक्टर है जो इनकॉर्पोरेटेड में कंप्यूटर एडेड कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोग्राम के लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि हाउ हैज कंप्यूटराइजेशन चेंज द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन. बेसिकली हाउ हैज कंप्यूटराइजेशन चेंज द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन. बेसिकली क्या है कंप्यूटराइजेशन चेंज ट्रेडिशनल मेथड जिसका यूज करते हैं हम. ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जो भी क्वेश्चन मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि हाउ टू डाटाबेस मैनेज्ड एंड द मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. डाटाबेस मैनेजमेंट किस तरीके से इंश्योर डाटा सिक्योरिटी हो सकता है इंटीग्रिटी इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट्स ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क. बेसिकली होता क्या है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कुड यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन करें द इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेरिंग टू करंट बिल्डिंग कोड्स एंड द स्टैंडर्ड्स इन कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग एंड स्पेसिफिकेशन. बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेरिंग को एक्सप्लेन करना है करंट बिल्डिंग कोड्स एंड द स्टैंडर्ड इन कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग एंड स्पेसिफिकेशन. बेसिकली जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑटोकैड यूज करते हैं, बीम यूज करते हैं, रेविट यूज करते हैं, एनसीएस यूज करते हैं, ईटैप्स यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, ये सारा टूल्स हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए, राइट. तो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो इंपॉर्टेंस ऑफ एडहेरिंग टू करंट बिल्डिंग एंड कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स इन कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग उसके स्पेसिफिकेशन में क्या रोल होता है उसको हमें एक्सप्लेन करना है. फिर यहाँ पे मैथकट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलस्ट्रेट हाउ मैथकट कैन बी यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैथकट फॉर कैलकुलेशन, उसके एडवांटेज को एक्सप्लेन करना है मैथकट फॉर कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकली मॉडलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हाईलाइटिंग इट्स रोल इन इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन स्पेसिफिकेशन. बेसिकली नाउ आपका क्वेश्चन इस प्रकार आगे हो सकता है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैथकट फॉर कैलकुलेशन मैथमेटिकली मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन द हाईलाइटिंग इट्स रोल इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी स्पेसिफिकेशन. ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा गूगल ड्राइव का, उसमें सारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, उसे आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्किंग ड्रॉइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन यूजिंग ऑटोकैड इन टू डी. डिस्कस टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ड्रॉइंग इंक्लूडिंग दिस लेयर मैनेजमेंट डायमेंशनिंग एंड एनिमेशन. बेसिकली ऑटोकैड की हेल्प से हमें टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ड्रॉइंग इंक्लूडिंग लेयर मैनेजमेंट एंड डायमेंशनिंग एंड एनिमेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑटोकैड 2D एंड ऑटोकैड 3D इन प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग. डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूटिलाइजिंग ऑटोकैड 3D फॉर विजुअलाइजिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेटिंग मल्टीडिसिप्लिनरी कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स.
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है, इमेजिन यू आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन फॉर वे स्पेसिफिक बिल्डिंग एलिमेंट्स सच एज द फाउंडेशन, डिस्क्राइब द की एलिमेंट्स यू शुड इंक्लूड इन द स्पेसिफिकेशन टू इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन विद कॉन्ट्रैक्टर्स अबाउट मटेरियल इंस्टॉलेशन मेथड्स एंड क्वालिटी एक्सप्रेशन। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक बिल्डिंग एलिमेंट सच एज द फाउंडेशन। बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन में जो अर्थवर्क होता है, देन वहाँ पे हम प्लेनिंग करते हैं, देन वहाँ पे हम पीसीसी करते हैं, देन वहाँ पे हम सोलिंग करते हैं, देन वहाँ पे हम राफ्टिंग करते हैं, देन वहाँ से कंस्ट्रक्शन हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कॉलम बीम डालते हैं, फिर उसके ऊपर कॉलम डालते हैं, फिर ड्रेसिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर कॉलम डालते हैं, फिर हम सरिया वगैरह मीन्स रिवर्स वगैरह बांधते हैं, फिर रिइंफोर्समेंट करते हैं, फिर स्लैब डालते हैं, फिर वो शटरिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर कंक्रीटिंग करते हैं, फिर स्लैब कास्टिंग होता है, फिर सीढ़ी बनता है। तो बेसिकली डिस्क्राइब द की एलिमेंट्स यू इंक्लूड इन स्पेसिफिकेशन फॉर योर क्लियर कम्युनिकेशन विद कॉन्ट्रैक्टर्स मटेरियल्स कंस्टॉलेशन आंदर। तो जो कैसे हमें कॉन्ट्रैक्टर से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, और मटेरियल है जो मटेरियल्स जो यूज कर रहे हैं, एंड इंस्टॉलेशन जो मेथड्स है जो हमें इंस्टॉल कर रहे हैं आगे उसे अप्लाई कर रहा है, तो किस तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशन को किस तरीके से हम इंड्यूस्ड कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज व्हेन राइटिंग कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस, इसका एक्सप्लेन क्या है। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा गूगल ड्राइव का, उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन ए कम्प्लेक्स एमईबी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सिस्टम्स फॉर अ बिल्डिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ बीम सॉफ्टवेयर लाइक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग लाइक रेविट कैन असिस्ट इन डिजाइनिंग कोऑर्डिनेटेड सिस्टम एट द अवॉइड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ मैथकट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैथकट को एक्सप्लेन करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कुड यू एक्सप्लेन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बेसिकली काम क्या करता है, राइट, जो मॉडलिंग के लिए डिजाइन करते हैं हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए, राइट, ये स्पेसिफिक जॉब होता है जो सिविल इंजीनियर्स जॉब को डिजाइनिंग फील्ड का है, एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल 2D ड्राफ्टिंग मेथड कर सकते हैं, और कैसे ये डिफर्स है अलग है ट्रेडिशनल 2D ड्राफ्टिंग मेथड्स इन कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्कस 3 की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग BIM सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन फेज, बेसिकली की बेनिफिट्स ऑफ BIM यूजिंग सॉफ्टवेयर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जो उसके की बेनिफिट्स क्या है, एंड सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग ए प्रोजेक्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिफाइन कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या है कंस्ट्रक्शन, और एस्टिमेट कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि लिस्ट एंड डिस्क्राइब 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बेसिकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या क्या एस्टिमेट होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिविटी क्वांटिटी टेक ऑफ क्या है, और उसका कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटिंग में उसका क्या यूज है, और हाउ इज बीम सॉफ्टवेयर यूटिलाइज फॉर QTO nowadays, अभी के समय में QTO क्वांटिटी टेक ऑफ का कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटिंग करने के लिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का हम किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इमेजिन यूर प्रिपेयरिंग कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट फॉर अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई द 4 मेन कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट यू मेन द यू नीड टू कंसीडर व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रास्ट सॉफ्टवेयर है जिससे पॉपुलर प्रोजेक्ट जैसे जिसमें हम शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का CM का, जिसमें हमारा प्राइमवेरा P6 है एंड MS प्रोजेक्ट है, देन SureTrack है, देन उसको ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन CPM क्रिटिकल पाथ मेथड यूजिंग इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में CPM का क्या रोल होता है, एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूंगा उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे CPM का और PERT का नेटवर्किंग डिजाइन का, तो उसे भी आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ द क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाइज द मोस्ट टाइम सेंसिटिव एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार हो सकता है कि डिस्कस द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पार्ट क्या है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक,
और दोनों मेथड्स का मैं क्वेश्चन आपको देंगे, नेटवर्क डिजाइन का, ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और दोनों का प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बेसिकली किस तरीके से होता है, ठीक है? जो आसान कौन सा है, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू एंड टेक्निक एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सीपीएम व्हेन द पॉट डू मोर सुटेबल प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग अप्रोच, मैं जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गूगल ड्राइव का, उसमें होल सोल्यूशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी है जिसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट क्या है इन सीपीएम, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट, हाउ कैन फ्लोट बी यूटिलाइज टू मैनेज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस पर हो सकता है कि डिस्कस एडवांस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट सच एज रिसोर्स लेवलिंग, फ्लोट एनालिसिस, शेड्यूल कंप्रेशन एंड एक्सप्लेन हाउ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल किस अनुसार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ यूटिलाइजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इंक्लूडिंग कुछ बेनिफिट्स यूटिलाइजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन का करना है जिसका हम यूज करेंगे इंप्रूवमेंट एक्यूरेसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अमंग प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिस्कस सम सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, कुछ सॉफ्टवेयर का हमें एक्सप्लेन करना है जो और डिस्कस जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को होता है, ठीक है? जैसे कि डेबिट टू टाई टैप्स हुआ, ठीक है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट का, तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है? तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, उस पर सारे क्वेश्चन का आंसर होगा पीडीएफ फॉर्म। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सीपीएम और पार्ट क्रिटिकल पार्ट मीटर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट टेक्निक, इस दोनों के डिफरेंस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसका सब सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, कुछ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से रिलेटेड हमें डिस्कस करना है सॉफ्टवेयर करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीआर एंड सॉल्विंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रॉब्लम, किस तरीके से एलपीआर की हेल्प से हम प्रोजेक्ट से सॉल्विंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में गूगल ड्राइव में एक लिंक है उसमें आपको दिया गया, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? आप लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ फॉर्म में ओपन होगा, पीडीएफ या वर्ड फॉर्म में ओपन होगा, आप वहां से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि एक्सप्लेन हाउ लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ लीनियर प्रोग्राम कुड बी फॉर्मुलेटेड टू मिनिमाइज प्रोडक्शन टाइमिंग। बेसिकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है एंड सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ कैसे एक लीनियर प्रोग्राम कुड बी फॉर्मुलेट, कैसे उसको फॉर्मुलेट करते हैं मिनिमाइज और प्रोडक्शन टाइमिंग, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिफाइंड द टर्म टर्म में उसको एक्सप्लेन करना है, उसका नाम है सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम, सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम। इस तरीके से जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग फाउंडेशन से लेकर के लास्ट जब कंस्ट्रक्ट करते हैं देन उसमें सिक्वेंस वाइज क्या प्रॉब्लम्स आती है, लाइक सॉफ्टवेयर में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए, प्रोडक्ट शेड्यूलिंग के लिए, ऑल ओवर एंड द रिलेवेंस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन टू कॉमन मेथड्स, दो मेथड्स हमें एक्सप्लेन करने हैं जिसका हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सिक्वेंसिंग के, ठीक है? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो इस सारे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेंगे, होप आपके नंबर्स एंड सीजीपी आपके अच्छे आएंगे सब्जेक्ट में, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ये पीडीएफ फॉर्म में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करेंगे और उस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल्स वाइज होंगे, तो उसे आप सॉल्व करके उसे आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, नाउ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी आर मीटिंग विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, अच्छे से प्रिपेयर कर ले क्वेश्चन। थैंक यू।